Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly. Good morning, everyone. Welcome back to our channel, The World of K3 Vlogs. तो गाइज आपको थोड़ी मेरी शक्ल उतरी उतरी लग रही होगी. कल एक्चुअली क्यान को स्कूल से लेने के बाद ना हमने खाना वाना खाया, फिर हम सो गए. शाम को जब मैं सो के उठी ना गाइज, मेरा इतना हेडेक, मतलब आप लिटरली, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना हेडेक था कि मेरा रोने का मन कर रहा था. आप समझ नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा था. पता नहीं क्यों मैं नीचे देख रही हूँ तो मेरा पेन यहाँ आ रहा है, मैं सीधा बैठी हूँ तो मेरा पूरे सर में पेन हो रहा है, लेफ़्ट साइड सो रही तो पूरा लेफ़्ट. मैं बहुत परेशान थी कल, और मैं बाम वाम लगाया, दुपट्टा बांधा, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ. दवाई तक ले ली तब भी ठीक नहीं हुआ. रात को फिर जब मैं 10 बजे सोने गई तब भी ठीक नहीं हुआ, हल्का हल्का था थोड़ा. फिर कुणाल ने मुझसे बोला कि क्रोसिन पेन रिलीफ ले ले, तो क्रोसिन पेन रिलीफ ली, उसके बाद भी हल्का हल्का था ही. कल का दिन गाइस मैं भूल नहीं सकती. कल बहुत ही मेरे को सर दर्द होता है ना बहुत ज़्यादा जब, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ. मैं चोट खा लूँगी पर मैं सर दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती. तो गाइस कुणाल चले गए ऑफिस, हम लोग सो ही रहे थे, हम भी अभी सो के उठे, 10 बज रहा है. तो चलो क्यान के आज छुट्टी है, सैटरडे है, तो नाश्ता वाश्ता करते फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में. मैं आपको क्यान से मिलवा देती हूँ. क्यान अच्छा हाय बोल दो. गाइस मैक्स खाना खा रहा है ना, तो उसको बहुत बता रहा है कि मैक्स खाना खा रहा है. इधर तो आओ बाबा, इधर आओ. क्या कर रहा है पता नहीं. अच्छा पहले आप हाय बोल दो. हाउ आर यू? बोला आई एम फाइन. फिर भग गया. देखो वो चिड़िया है ना, वो री, इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है. Thank you.
क्यान थोड़ी सी वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम करेगा कम, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो, रिमाइंड नहीं बंद ही कर दिया। तो गाइस हम लोग नहा चुके हैं और खाना खाने बैठ गए हैं, और मैंने कियान के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाए, ही वांटेड टू ईट फ्रेंच फ्राइज़, और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं, तो मैं अभी देख रही हूँ 2 बज रहा है, तो मोस्ट प्रोबली आई एम गोइंग टू ईट कर्ड सैंडविच। एक दिन मैं आपके साथ कर्ड सैंडविच की, दही सैंडविच की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी जब प्रॉपरली बनाऊँगी, अभी फटाफट बना रही हूँ, लेट हो गया है। तो चलो गाइस हम खाना खाते हैं और फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में, शाम को मिलती हूँ, अब हम सो जाएंगे क्योंकि मेरे ना फिर से हल्का हल्का पेन हो रहा है, हल्का सा एकदम, जैसे ना अब कल वाला जा रहा है हल्का हल्का है दोबारा, पता नहीं, मैं फटाफट बाम लगा के सो जाऊंगी। बाम बूम कह रहा है। तो चलो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे शाम को और कुणाल से भी मिलवाऊंगी और देखते शाम को हम खाना क्या बनाएंगे। तो आई सी यू इन सम टाइम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी बज रहा है 7 और सो के उठ गए थे गाइस, और मैंने बाम पहले ही लगा लिया था, हल्का हल्का सा हो रहा था, पता नहीं गाइस क्या हो गया, मुझे लग रहा है मेरे को ना बीपी चेक कराना चाहिए, आई थिंक बीपी हाई में हेडेक होता है, तो एकदम रात वाली नींद सो रही हूँ मैं एकदम से। अभी गाइस मैं सोच रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि सब्जी में कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं कढ़ी बनाऊँगी अभी। बाकी गाइस कुणाल आते हैं मिलवाती हूँ, तब तक मैं कियान दिखाती हूँ। हाय कियान, व्हाट आर यू मेकिंग? ट्रेन। ट्रेन तो बेटा वो सीधी सीधी होती है, तो आपने बिल्डिंग बनाई है लंबी लंबी सी, ये तो लंबी बना रहे, लंबी लंबी बिल्डिंग बना रहे हो। नहीं गाइस ये अपना ब्लॉक्स खेलने में लगा हुआ है, मैं अलमारी में कुछ निकालने गई थी, इसको ब्लॉक्स दिख गए। गाइस कुछ टॉयज ऐसे हैं जो ना हम इससे छुपा के रखते हैं, क्योंकि ना ये क्या करता है, ये खेलेगा कम और उसके जो पीसेस होते हैं ना कहीं सोफे के नीचे, कहीं बेड के नीचे, फिर मेरे को ना ढूंढ के रखने में दिक्कत हो जाती है। मैं इसको तभी निकाल कर देती हूँ जैसे कुछ ऑप्शन ना हो और ये बोर हो रहा है, तब मैं देती हूँ। अभी पता है गाइस इसके पास मैग्नेटिक वाला ABCD था, कल खेला इसने ABCD वाला, मैग्नेटिक वाला जो मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में, उसके पीछे के मैग्नेट निकाल रहा है, बताओ एक बात होती है, वो चिपकेगा ही नहीं फिर वो। तो इसको ना मैं, ये कुछ ऐसे टॉयज़ हैं एकदम, मैं वक्त आने पर हुक्म का इक्का निकालती हूँ। चलो गाइस ये भी खेल रहा है और मैं फटाफट काटा पीटी कर लेती हूँ कड़ी के लिए, प्याज वगैरह काटना है, तो मिलते थोड़ी सी देर में। हाय गाइस, बहुत टाइम के बाद कुणाल दिख रहे हैं प्रॉपरली बैठे हुए आराम से, और टाइम बज रहा है 9। तो कुछ कहना चाहेंगे बहुत टाइम के बाद? कुछ कितने दिनों बाद आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो आप लोग कैसा लग रहा है जरूर बताना, है ना? और पब्लिक के सामने आप ये नहीं बोल सकते ना कि मेरी आवाज़ सुन सुन के आप लोग बोर हो गए होंगे, मतलब मेरी ये तो है। तो गाइस को बोलो कि एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वॉइस ओवर ज्यादा अच्छा लगा या हमारी आवाज़ ज्यादा अच्छी। इसने नया ड्रामा चालू करा तो जरा जरूर बता देना एक बारी ये वॉइस ओवर अच्छा लगता है, मैं बोलता हूं अच्छा लगता है या करता हूं अच्छा लगता हूं, बताना जरूर, बोलते हुए अच्छा लगोगे और क्या, अब नहीं रहे तुम फेमस, अखा डीके रोड में वर्ल्ड फेमस, अखा डीके रोड। तो ये देखो ना गाइस, तो चलो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आज कढ़ी बनाई है और चावल चढ़ा दिए गाइस, हमने चावल कुणाल करे चावल चढ़ा दे, तो मैं एक बार ना आपको कढ़ी की शक्ल दिखा देती हूँ, चलिए हम कढ़ी से मिलते हैं। पहले तो गाइस मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये क्या है, ये मैंने कुणाल के लिए मंगवाया है पिज्ज़ा ब्रेड, जो ये ऐसे ट्रायंगल में था, ये इतना खा लिया है, और ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी, मतलब थोड़ा सॉगी सा हो गया ना है, चलो कोई नहीं, अब जैसे भी पेट पे जाता तब भी तो सॉगी हो ही जाता, और अब भी सॉगी है। तो भाई चलो मैं आपको कढ़ी दिखाती हूँ, ये गर्म है शायद, एक मिनट, हाँ देखो कढ़ी गाइस हमारी, ये हमारी कढ़ी है, और इसमें गाइस मैंने चावल चढ़ाए हुए हैं, और गाइस इसमें हो रहा है कियान के लिए आलू, वो कियान आलू के पराठे खाएगा, उसको कढ़ी नहीं देते हम रात में, वो कढ़ी वैसे भी नहीं खाता इतना, उसको मैंने कोशिश करी कढ़ी खिलाने की पर नहीं खाई है। तो गाइस ये देखो कितने अच्छे लगे ना कढ़ी पकौड़ी, तो ये मेरा खाना भी आज बन चुका है,
और ये थे कुछ पकोड़े जो एक दो मैंने निकाल के रखे थे, तो मतलब डाले नहीं इसके अंदर, तो ये वो हैं, अब खाएंगे हम। और देखो गाइज ये कुनाला क्यान के लिए लाए हैं। बेटा एक बार दिखाओगे, हम गाइज को दिखाएं। तो गाइज कहाँ गया वो? अच्छा इधर है। इसके अंदर डलती है स्लाइड, ठीक है, ये दिखाएगा आपको। चलो डेमो दिखाते, तो कैसे चलाते हैं दिखाते, तो कैसे चलाते हैं गाइज। आपको गड्ढा दिख रहा है और ये रिंग्स है ना, तो वो गड्ढा जो है ना, वो रिंग्स जो है, वो रिंग्स के अंदर प्रोजेक्टर्स है, जैसे कि एनिमल्स है, किसी में फूड है और किसी में ना वो है, क्या बोलते हैं उन लोग, कुछ डॉक्टर्स एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, दिग्गज हैं, दिग्गज प्रोफेशनल वो हैं, हाँ मतलब वो प्रोफेशनल है सारे इसके अंदर, फायर फाइटर्स वगैरह सारे हैं। तो आप उसमें उसको डाल दोगे ना, तो वो टॉर्च के थ्रू प्रोजेक्टर दिखाएगा। तो ये वो है, ये अभी दे नहीं रहा, वरना ये स्कूल जाएगा ना गाइस, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक और चीज़ लाए, अच्छे से क्यूट सी मैं दिखाती हूँ। और गाइस ये लट्टू लेके आए हैं, ठीक है, भीम वाला लट्टू है। तो ये जो है ना, ये इसके सर पे लगाओ और छोड़ दो तो ये लट्टू घूमता है। मैं सारे आपको, ये फूल जाएगा ना, अरे यार तब दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग आज का, छोटा ही था, ज़्यादा कर नहीं पाई मैं कुछ। और तो आज का व्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं, हम मिलते करेंगे व्लॉग के साथ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। तो आज के लिए गुड नाइट, टाटा, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, टाटा। क्यों टाटा कर दो दादा? दादा तो फ्रिज में घुसे पड़े, क्या क्या घुस रहे हो फ्रिज में, क्या कर रहे हो फ्रिज में, फ्रिज में क्या घुसे हुए थे पूरे आधे आधे तो फ्रिज के अंदर घुसे हुए थे। तुम फ्रिज में गहराई भी नहीं है, हम तो जाना पड़ता घूमने रावलगढ़। तुम ही बस होया करो, देखो इलेक्ट्रिसिटी हमारी वेस्ट नहीं होगी वो, क्योंकि फ्रिज को चलना ही चलना है ना। तीन है डोर, एक में मैं घुस जाती हूँ, उसमें क्यू आ जाएगा, इसमें नहीं, वो बड़ा वाला चाहिए मुझे, उसमें तुम आ जाना, वो मैक्स को ऊपर रख देंगे फ्रिज के, बर्फ वाली ट्रे में। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी इतनी आएगी नहीं है ना, एसी की जरूरत नहीं है। थिंक इनोवेटिव, हाँ। तो चलो गाइस को बाय कर दो, बाय गाइस, बाय गाइस।